करने के बाद चलिए बातचीत करते हैं सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ की और लेट्स टेक द वेक अप कॉल. बिल्कुल. और कैलाशनाथ वेड्स मधुमती की बात करें. ये सारे नाम है उन बेहतरीन प्लेस के जो युवा डायरेक्टर सचिन गुप्ता ने डायरेक्ट किए थे. एंड वी हैव द मैन हिमसेल्फ इन द स्टूडियो. सचिन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू. सचिन, नाम बड़े आकर्षक है. हु थिंक्स ऑफ द टाइटल, द डायरेक्टर? या आई एम लाइक प्लेराइट आल्सो. सो तो ये सारे जो प्लेज हमने कुछ नाम लिए सब आपके दिल के करीब हैं या व्हिच वन रियली स्टैंड्स आउट व्हेन वी टॉक अबाउट सचिन गुप्ता'स बॉडी ऑफ वर्क सो फार? आई थिंक सभी प्लेज काफी करीब हैं क्योंकि सभी प्लेज में कहीं ना कहीं कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया वो सब है. बट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो मेरा सबसे पहला प्ले था, उसी के लिए मुझे अवार्ड भी मिला. एंड वही प्ले मैंने न्यूयॉर्क में ऑफ ब्रॉडवे भी किया, टोरंटो कनाडा में भी किया है. तो काफी वो भी काफी तो रिस्पांस कैसा रहा जो प्ले दिल्ली में मंचन होता है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का और फिर आप न्यूयॉर्क या कनाडा की ऑडियंस को ले जाएं तो वहां क्या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन देखते हैं या हर कोई? सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ तो हर जगह अप्रिशिएट हुआ है. एंड न्यूयॉर्क में जब किया था तब तो मैंने ऑडिशन जो लिया था अमेरिकन एक्टर्स ही थे सारे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया. करीब लाइक 500 के करीब एक्टर्स का मैंने ऑडिशन लिया. उसके बाद कुछ एक्टर्स शॉर्टलिस्ट हुए, अराउंड 10-20 एक्टर्स शॉर्टलिस्ट हुए, उनके साथ में मैंने वर्क किया तो उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये वाला प्ले करने में. और वही सेम कनाडा के अंदर भी रिस्पॉन्स मुझे मिला. और सचिन, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी व्हेन वी वर चैटिंग इन द ग्रीन रूम. सचिन टोल्ड मी दैट व्हेन ही वेंट टू ब्रॉडवे टू ऑडिशन द एक्टर्स, अमेरिकन एक्टर्स, ही एक्चुअली टुक द अमेरिकन एक्टर्स फॉर अ हिंदी म्यूजिकल व्हिच वाज कैलाशनाथ वेड्स मधुमती. और उसके बारे में बताइए, दैट मस्ट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. वो तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि उसमें लैंग्वेज का, एक तो जो एक्टर्स थे सभी अमेरिकन एक्टर्स थे, लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम था लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडियन कल्चर में. और उनको काफ़ी कुछ आइडिया भी है इंडिया के बारे में, इंडियन म्यूजिकल्स के बारे में. एक तो कपूर के सीरियल्स में उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है. आपका प्ले कहता क्या है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ? सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ की स्टोरी है एक एक्टर की जिसकी लाइफ में सिर्फ 3 मंथ्स हैं. उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो लाइक हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है जिससे उसको थोड़े और दिन मिल सकते हैं, लाइफ थोड़ी और लाइफ मिल सकती है, या फिर वो अपनी ड्रीम्स को परस्यू करें क्योंकि उसकी एक ही ड्रीम थी, एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना, अपने आप को प्रूफ करना कि वो बहुत बड़ा एक्टर है. और वो फाइनली ऑडिशन देता है एंड 3 मंथ्स बाद उसका परफॉर्मेंस है एंड उसी दिन उसको न्यूज़ मिलती है जिस दिन उसको ऑडिशन का पता लगता है कि उसको कैंसर है. तो अब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है. इट्स लाइक ऐड लाइफ टू डेज, नॉट डेज टू लाइफ. जी, एंड चिल्सा एक्चुअली इज द कवर पेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. वी आर सीइंग देयर एज वेल ऑन द स्क्रीन अ स्टोरी ऑफ ट्रू करेज एंड पैशन. बट जैसा आपने कहा ड्रीम्स की बात, तो सचिन को थिएटर का ड्रीम कब से हुआ? ड्रीम का तो सच स्टार्टिंग से ही मुझे इंटरेस्ट था थिएटर में. तो लाइक मेरा पहला शो कमानी ऑडिटोरियम में जो हुआ था वो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब हुआ था. तो तब से ही इंटरेस्ट है थिएटर में. तो उससे पहले भी स्कूल्स में भी काफ़ी शोज किए हैं, लिखे भी हैं काफ़ी प्लेज, 11th 12th में लिखे एंड धीरे धीरे फिर कॉलेज के अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. उसके बाद फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है. फिर उसके बाद में कॉलेज खत्म हुआ, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा जॉब भी था, यूएस का पैकेज था, सब कुछ अच्छा था एंड यूएस कंपनी से कॉल आ गया एंड यूएस जाना था. पैकेज अराउंड $60,000, काफ़ी अच्छा पैकेज सब कुछ था, बट मेरा इंटरेस्ट सिर्फ थिएटर में था. तो फाइनली आई सेड नो. थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ लाइक फैमिली ने क्या कहा जब आपने नो कह दिया $60,000 को? फैमिली ने क्या कहा? फैमिली ने कहा कि सोच लो. लेकिन या फादर का बहुत ज़्यादा लाइक मेरे फादर का काफ़ी सपोर्ट रहा. उन्हीं का विजन था कि हाँ अगर थिएटर में कर रहे हो तो बहुत लाइक नंबर वन, फिर उसमें भी काफ़ी कुछ करना है. फाइनली लाइक आई ज्वाइन TV18, वहाँ पर भी मेरी कंडीशन थी कि 6 बजे के बाद में मुझे जॉब नहीं करनी, थिएटर ही करना है, रिहर्सल्स में जाना है. सो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर फिर लाइक फाइनली सिलेक्शन वहाँ पर हुआ. एंड आई थिंक दिस कैन बी सच अ गुड इंस्पिरेशन टू द यंगस्टर्स बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि थिएटर है, जॉब is more important, you know, hobby and passion comes later. But I think you are such a good example कि अगर आपका दिल किसी चीज़ में है तो अंत तक जाइए और अपना जो सपना है वो पूरा करिए. और जो आपका थिएटर ग्रुप है, यू इनकरेज अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट, बहुत यंग एक्टर्स को आप किस तरह से प्रोत्साहन देते हैं? See, मेरा टारगेट है कि जितने ज़्यादा आप यंगस्टर्स को या लेकर आ सके ऑन स्टेज. सो बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि टाइम का शॉर्टेज भी होता है. तो जैसे मेरे ग्रुप में भी काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो मैं ट्राई करता हूँ कि संडे को ही हम रिहर्सल्स करें और उसी संडे के अंदर ही अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि हम स्टेज पर लाके प्रेजेंट कर सकें तो वो मेरा टारगेट है. एंड उसको प्रमोट, थिएटर को प्रमोट करने के लिए फिर मेरा थिएटर लैबोरेटरी भी है. हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिएटर पर रिसर्च वर्क करें लाइक कुड़ी अट्टम,
यक्षगान, नाट्य शास्त्र, फिर थिएटर मैगजीन स्टार्ट किया मैंने ताकि थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको हम लाइक उनकी अचीवमेंट्स हाईलाइट कर सकें। फिर एक्टिंग स्कूल भी स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली आइडिया है कि हम थिएटर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और उसके लिए फिर मेरा मेन टारगेट होता है कि कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं यंगस्टर्स को। प्लेस भी उसी तरह के मैं करता हूँ। फिर थिएटर फेस्टिवल भी जो मैंने किया उसमें प्लेस भी मैंने छोटे छोटे इसलिए लिखे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई आता है तो उसको लगता है कि 3 घंटे बहुत ज़्यादा है या 2 घंटे बहुत ज़्यादा है, तो वो आएगा 1 घंटे का प्ले देखे, उसके बाद वो जा सकता है, उसको पूरा प्ले देखने की जरूरत नहीं है, वो 45 मिनट्स का भी प्ले देखता है, तो एटलीस्ट एक टेस्ट तो आ गया ना, आपने एक चिकन तो उसको टेस्ट करा दिया, तो मतलब आपने ट्रेलर दिखा दिया और एक बार वो एडिक्शन हो जाएगा तो धीरे धीरे थिएटर लवर्स बन सकते हैं। टेस्ट कर लिया है तो उसके बाद आप फिर से आएंगे। बिल्कुल, और टेस्ट की जहां तक बात है गरिमा, आई थिंक दिल्लीआइट्स आर लकी, अगर आप मंडी हाउस आ जाएं तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिएट्रिकल प्लेस ऑन योर प्लेटर। एब्सोल्युटली, और कभी हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जैसे हाल ही में मल्लिका साराभाई का प्ले हुआ था रामकली। थिएटर डायरेक्टर के कंसर्न्स क्या है, वुड यू से अगर आपने किंगडम ऑफ ड्रीम्स या मान लीजिए और इनहैबिटेड सेंटर में प्ले करना है कि ऑडिटोरियम का कॉस्ट इतना ज्यादा है? परमिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, परमिशन का, एनओसीज लेने का, जो कि इंडिया में और जगह नहीं है। जैसे मैंने बैंगलोर में अभी रिसेंटली शोज किए थे, कैलाशनाथ किया और भी किए, लेकिन वह एनओसीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर। पहले आपको एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफिस वहाँ जाके एनओसी लेना होगा, फिर ट्रैफिक हेडक्वार्टर जाके वहाँ ट्रैफिक पुलिस वहाँ से लेना एनओसी लेना होगा, पुलिस हेडक्वार्टर से एनओसी लेना होगा, उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे, वो बहुत हेडेक है, वो बहुत बड़ा हेडेक है। लेकिन अगर टिकट्स रखें तो ऑडियंस आती है टिकट्स खरीद के, जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज रहता है उतना से थिएटर प्लेस का रहता है? अब आने लगी है ऑडियंस को, काफ़ी ऑडियंस को भी धीरे धीरे थोड़ा थिएटर के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, और अब थिएटर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, प्लेस भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं आजकल दिल्ली में, और भी आप थिएटर ग्रुप देखें उनके बहुत अच्छे प्लेस हो रहे हैं, बाकी और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह से लाइक डिफरेंट स्टेट से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, डिफरेंट जगह से लोग आके दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है थिएटर के अंदर। जी, और हमने अपने फर्स्ट सेगमेंट में बात की थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, और आपका एक प्ले जो था वेक अप कॉल, दैट वाज आल्सो सेंटरिंग समवॉट अराउंड सेंसिटाइजिंग पीपल टुवर्ड्स डिजास्टर्स, राइट? तो मतलब किस क्या आपको प्रोवोक किया था? वेकअप कॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि लाइक अगर आप 0.1% भी चेंज ला सकते हैं अपने अंदर इस सोसाइटी में, सिर्फ 0.1, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉइंट एंड अपने एरियाज में ही आप कर सकते हैं। सपोज इफ यू आर अ टीचर, हो सकता है आप किसी ऑफिस जाके या फिर वहाँ पर एजुकेट कर सकें किड्स को। इफ यू आर लाइक अ लॉयर, आप अपने एरिया में कुछ हेल्प कर सकते हैं, लाइक उसकी बात हो रही है। सो हमारा मेन पर्पस था कि एक हमने पोर्टल भी लॉन्च किया audienceinaction.com, वो हमारा एक डिफरेंट सेगमेंट है हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडियंस इन एक्शन पोर्टल जो लॉन्च हुआ था, उसमें हम डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह से सपोज किसी को कुछ इमरजेंसी है, कुछ कॉल करना है तो इमीडिएटली आप कैसे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर वो नंबर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर हम डिटेल्स थोड़ा डाल रहे हैं। क्लिनलीनेस की बात हो तो वहाँ पर भी बहुत बार क्या होता है कि दिल्ली में आप जाए इतना गंदगी है, तो एमसीडी के नंबर्स अगर हो किसी के पास पहले से अवेलेबल तो इमीडिएटली आप कॉल कर सकते हैं। ऑडियंस इन एक्शन का बेसिक पर्पस है कि ऑडियंस सभी हैं, अगर बाहर आप जाए, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, एक साथ ट्रैफिक में आप खड़े हो, आप भी एक ऑडियंस है, आपके आसपास एक ड्रामा ही है एक तरह से। लेकिन हम सबको सिंसेरिटी से काम करना होगा टू मेक एन इंपैक्ट। लेकिन आप लोग, आप तो शायद कई कुछ लोगों को चीटर्स भी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं नो चीटिंग प्लीज? वो तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। नो चीटिंग टुडे की बात अगर हम करें, वो स्टोरी बेसिकली है कुछ इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स की, जिन्होंने आज अपने आप को प्रॉमिस किया कि आज चीटिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रोफेसर बैनर्जी जो है उनका प्रॉमिस है कि आज चीटिंग नहीं होने देंगे। तो उन दोनों का आपस में जंगल बुक के गाने थे बीच में, एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये इंस्पिरेशन आपके अपने चाइल्ड हुड से आती है कहीं? आई थिंक सभी के चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ आपने ऑब्जर्व किया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपने देखे हैं, वही कलर्स आप रिपीट कर रहे हैं, वही कलर्स आप उन्हीं कलर्स को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं थिएटर के थ्रू। मैं जो मैंने देखा है या जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो चीज़ मुझे हिट करती है मुझे वही चीज़ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ थिएटर के थ्रू। थिएटर एक मीडियम है, आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, तो वही मैं थिएटर के थ्रू ट्राई कर रहा हूं। शॉर्ट व्हाइल बैक सचिन यू सेड दिल्ली हैज गॉट अ थिएट्रिकल कल्चर, सो सर्टेनली द हैंडीकैप सिटी, यू आर नॉट रेफरिंग टू दिल्ली, राइट? हैंडीकैप सिटी का कांसेप्ट, हैंडीकैप आइडिया है कि हमारा थॉट प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट सिटी, इट्स अबाउट
द पर्सन, लाइक हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा लाइक एक डिफरेंट उसमें चला गया. इट्स लाइक अ वर्चुअल लाइफ. आज अगर आप देखें एक फेसबुक लाइफ हो गई है, आप नए फ्रेंड्स ऐड कर रहे हैं लेकिन आपके साथ जो फ्रेंड है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते. सो इट्स अ डिफरेंट लाइफ. हैंडीकैप सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, हैंडीकैप सिटी का मतलब है कि एक ऐसी सिटी जहाँ पर कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो जिस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको नहीं पता. एंड वो ही एक रिफ्लेक्ट, जैसे एक फैमिली में कुछ मेंबर्स अगर गलत हैं तो बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पूरी फैमिली को, फैमिली के कल्चर को. राइट, सो लेट्स होप दैट थिएटर, एज यू सेड, इट्स अ पावरफुल मीडियम. वी इंट्रोस्पेक्ट, पॉज एंड रियली रियलाइज वेयर आर वी हेडिंग. और फेसबुक में 100+ 200+ फ्रेंड्स से कुछ नहीं, एक रियल फ्रेंड से ज्यादा बेटर रहेगा. एंड यू आर वन ऑफ आवर रियल फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच सचिन फॉर कमिंग. थैंक यू सचिन. थैंक यू. थैंक्स. और अगर हम बात करें कल की शो की, तो आजकल जो हेल्थ है ना, बिकॉज ऑफ द रेन्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम बात करेंगे अवेयरनेस पर, हाउ कैन यू स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर ऑफ योर हेल्थ. बिल्कुल. इसके अलावा बात हुई थी कि डॉक्टर अंजलि कह रही थी कि H1N1 का बात है या डेंगू की बात है, इसका अगर कहर ज्यादा है तो वहां पर भी बचाव जरूरी है. इससे कैसे बचे, इसका कैसे उपचार करें, कल इस पर भी बातचीत होगी. तो कल लाइव शो जरूर देखेगा. आज के अंक में बस इतना ही. नमस्कार.